आजकल लॉस सैंटोस का मौसम बहुत ही ज्यादा मस्त हो रखा है। बादल कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हैं, आप देख सकते हो। सामने से प्लेन जा रहा है, ऊपर से सूरज आ रहा है, क्या ही मस्त मौसम हो रखा है। इस मौसम में स्विमिंग पूल में डुबकी मारने का तो कुछ अलग ही मजा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे घर में स्विमिंग पूल है। क्या आपके घर में स्विमिंग पूल है मुझे फटाफट से बता देना। जो भी अपना मजा कर रहा है और हम भी मजे कर रहे हैं। भागो भागो। अबे ये कहाँ से आवाज आ रही है? एक सेकंड, ये आवाज तो बाहर से आ रही है। अरे क्या चल रहा है बाहर? अबे क्या चल रहा है, कौन चिल्ला रहा है? अबे इनको क्या हो गया? अरे भागो भागो, लॉस सैंटोस छोड़ो, भागो। अबे क्या हो गया, ये सब लोग भाग क्यों रहे? अरे मिंटू थोड़ा तेज भाग, वरना वो मैं खा लेगा। खा लेगा? अबे कौन खा लेगा, क्या बातें कर रही है? अरे हट जाओ सामने से, जल्दी भागो जल्दी भागो। अरे कहाँ भागो, किससे भाग रहे, मुझे भी तो बताओ। अरे ये सब लोग भाग क्यों रहे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये लोग कहाँ जा रहे हैं भाग के। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन भागो। अबे माइकल, अबे तुझे क्या हो गया? फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन जल्दी से लॉस सैंटोस छोड़ दो फ्रैंकलिन। अरे पर हुआ क्या? अरे अरे वो सबको खा जाऊंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे ये माइकल को क्या हो गया, भागो भागो यहाँ से। अबे माइकल क्या हो गया तेरे को? या फ्रैंकलिन। अरे क्या फ्रैंकलिन, अरे कैसे माइकल को क्या हो गया, ये कौन सा कुत्ता बन चुका है यहाँ पर? भागो फ्रैंकलिन, रुक जा, तेरी तो माइकल के बच्चे, ये ले निकल यहाँ से, ये ले ये ले ये ले। अरे कैसर, ये माइकल को क्या हो चुका है, जल्दी निकलो यहाँ से, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। ये माइकल तो सही में बहुत ही खतरनाक लग रहा है, ये पता नहीं कौन से कुत्ते में ट्रांसफॉर्म हो गया। अभी तो ये माइकल था, मुझे समझ नहीं रहा ये क्या चल रहा है। वो सारे के सारे लोग किससे डर के भाग रहे थे, क्या वो माइकल से डर के भाग रहे थे? मुझे पता करना पड़ेगा क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में, जल्दी से न्यूज देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सैंटोस में खतरनाक खतरनाक वुल्फ का हुआ अटैक। ये वुल्फ है बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इनका बॉस उनसे भी ज्यादा खतरनाक। ये सारे के सारे वुल्फ मिलके लॉस सैंटोस में फैला रहे खतरनाक वुल्फ वायरस। अगर इन वुल्फ ने आपको काट लिया तो आप भी बन जाओगे खतरनाक खतरनाक वुल्फ। तो अगर आपको कहीं पर भी वुल्फ दिखे तो वहाँ से नौ दो ग्यारह हो जाए, धूम धमा के भाग जाए, क्योंकि ये वुल्फ बहुत खतरनाक है, लॉस सैंटोस से बहुत ही खतरे में। ये पूरा लॉस सैंटोस मेरे राज में होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे कैसर ये क्या, लॉस सैंटोस में वुल्फ का अटैक। मैंने अभी अभी न्यूज में देखा कि लॉस सैंटोस में खतरनाक वुल्फ का अटैक हो चुका है, और मुझे लगता है उसी वुल्फ ने माइकल को भी काटा होगा, तभी वो भी एक खतरनाक सा वुल्फ बन गया। ये लोग बहुत ही खतरनाक है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सारे के सारे लॉस सैंटोस वासी लॉस सैंटोस छोड़ के जा रहे हैं, पर मैं ऐसे जा नहीं सकता, मैं कहां जाऊंगा? तो सबसे पहले तो मुझे मेरी सेफ्टी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं अपने ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड पर अपनी सेफ्टी के लिए सामान बनाने वाला हूँ। जैसे ये माइकल मेरे घर पर आ गया, वैसे और भी वुल्फ मेरे घर पर आ सकते हैं, इसलिए मुझे अपने पूरे घर को ब्लॉक करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी कुछ खतरनाक सा बनाते हैं ताकि अपने पूरे घर को ब्लॉक कर सके। तो कैसर अभी हमें अपने घर के लिए बैरिकेड बनाना है, तो पहले हम अपना घर बना रहे थे, तो पहले हम बनाने वाले अपना घर। तो यहाँ पर सबसे पहले माउंटेन से आप मान लो, और ये हमारी यहाँ से एक नदी बहती है, और यहाँ पर हमारा प्यारा सा घर है, तो उसके बाहर हमको करना पड़ेगा पहले सबसे पहले अपना घर बना लेते हैं। तो इमेजिन करो ये हमारा घर है, और यहाँ पर ये सारे ज़ॉम्बीज, तो हमें यहाँ पर पूरे के पूरे बैरिकेड्स बनाने पड़ेंगे खतरनाक ताकि वो अंदर ना आ पाए। तो फटाफट से यहाँ पर मैं बैरिकेड्स बना देता हूँ, पूरे घर के चारों तरफ बैरिकेड्स बना देंगे ताकि वो खतरनाक वुल्फ्स अंदर ना आ पाए। तो यहाँ पर एक और बैरिकेड बनाते हैं, यहाँ पर एक और, यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे बैरिकेड्स बन चुके हैं, और उसको फटाफट से डन कर देते हैं। और इन बैरिकेड्स के हम बीच में बाहर डालने वाले ताकि वो अंदर घुस के ना आ जाए बैरिकेड में से, इसलिए हम इनको पूरा का पूरा लॉक कर देंगे, ये बिल्कुल अंदर आ ही नहीं सकते। और गाइज़ इसके बाद हमारा घर बिल्कुल सेफ हो जाएगा इन खतरनाक वुल्फ से, अब कोई भी वुल्फ हमारे घर के अंदर नहीं आ पाएगा। चलो फटाफट से ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके अंदर थोड़ा सा कलर भी कर लिया जाए ताकि हमारे बैरिकेड भी मस्त मस्त लगने लग जाए। फटाफट सारा का सारा कलर कर देते हैं, और ये हमारा कलर भी लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये डन, हमारे घर का बैरिकेड यहाँ पर डन हो चुका है। अब बाकी कलर हम इन माउंटेन्स में भी कर देते हैं और इस नदी में भी, और फटाफट से अपने बैरिकेड को रियल लाइफ में ला देते हैं। तो गाइस अभी मैंने पूरा का पूरा अपना सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर बना दिया है, और आप देख सकते हो बिल्कुल ढंग से लग भी चुका है, और यहाँ पर वो कितने सारे वुल्फ आ चुके हैं। हम तुझे खा जाएंगे,
अरे कैसा, ये लोग सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। इन्होंने सारे घर के रास्ते बंद कर दिए बाहर जाने के। और सोचो मेरे घर के बाद इतने तो पूरे लॉस सैंटोस में कितने ये खतरनाक खतरनाक वुल्फ होंगे। ओए वुल्फ, अंदर आके दिखा क्या होगा। आओ क्या बाहर, आओ क्या। आना मैं बताता हूँ। अरे चल पागल क्या, मैं नहीं आ रहा, मैं तो चारों घर पे छुप जाऊंगा जाके। अबे चौप के बच्चे, गलती से भी बाहर मत जाइयो। तो कैसर, अभी मेरा घर तो प्रोटेक्ट मैंने कर लिया, पर कितनी देर तक प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। ये पूरा लॉस सैंटोस धीरे धीरे वुल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे भी करके इस वुल्फ वायरस को लॉस सैंटोस से भगाना पड़ेगा। तो कैसर, अभी मैंने सोच लिया है, इन सारे के सारे वुल्फ को लॉस सैंटोस से मैं ही बाहर भगा के रहूंगा। मुझे पता नहीं है सारे के सारे एवेंजर्स कहां पर है जो कि लॉस सैंटोस को नहीं बचा रहे। सारे के लॉस सैंटोस के रोड पूरे के पूरे खाली हो चुके हैं, क्योंकि हर जगह सिर्फ ये वुल्फ घूम रहे हैं। और इस वुल्फ वायरस को मुझे खत्म करना पड़ेगा। तो फटाफट से कुछ ऐसा बनाते खतरनाक सा वुल्फ जो कि इन सभी को खत्म कर पाए। तो कैसर, अभी हम अपने मैजिक बोर्ड पर आ चुके हैं और हमें कुछ ऐसा बनाना है जिससे हम उन सारे के सारे वुल्फ को खत्म कर पाए। तो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ उन वुल्फ से और भी ज्यादा खतरनाक वुल्फ बनाने का। तो फटाफट सबसे पहला इसका मुंह बनाते हैं। यहाँ पर मुंह से अपन शुरुआत करने वाले। इसका मुंह भी बहुत खतरनाक होने वाला है और ये वुल्फ खुद भी बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो इसका मुंह तो यहाँ पर बन गया। अब इसकी बाकी की पूरी बॉडी बनाने वाला है। यहाँ से लेके जाते हैं इसके डोले शोले बनाएंगे। और यहाँ पर इसका पूरा का पूरा हाथ यहाँ पर बनने वाला है। और यहाँ पर वापस से डोले शोले। और एक हाथ हमने यहाँ पर बना दिया है। अब दूसरा हाथ भी फटाफट से कम्प्लीट करते हैं। यहाँ पर इसकी अंगुलियां बनाएंगे और इसका दूसरा हाथ भी हमने कम्प्लीट कर दिया है। ये वुल्फ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है और उन सारे के सारे इविल वुल्फ्स को मार देगा। अब इसकी फटाफट से यहाँ पर हम एक बेल्ट पहनाने वाले हैं। इसको फटाफट से बेल्ट पहनाते हैं और इसके बाकी के पैर भी बना देते हैं। ये खतरनाक खतरनाक वुल्फ वाले पैर बनाएंगे और इधर भी खतरनाक खतरनाक वुल्फ वाले पैर। और ये हो गया कंप्लीट। अब फटाफट इसकी पूरी की पूरी बाकी की बॉडी बनाते हैं। जैसे कि हम इसको यहाँ पर एब्स देने वाले। यहाँ पर हमने इसको एब्स दे दिए। अब इसके इस वाले हाथ पर पूरी डिजाइन करने वाले। पहले फटाफट इसके हाथ कंप्लीट कर देते हैं। तो फटाफट से इसका मुंह अपन यहाँ पर बना लेते हैं। बड़ी बड़ी आंख यहाँ पर बना देंगे, नाक बिल्कुल वुल्फ जैसी और बड़ा सा मुंह जिसमें होंगे खतरनाक खतरनाक दांत। अब फटाफट से इसके अंदर खतरनाक खतरनाक दांत बनाते ताकि ये वुल्फ बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगे। और इसके अंदर फटाफट से अब कलर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बॉडी में कलर करेंगे, फिर इसके पैरों में कलर करेंगे, फिर इसके मुंह के अंदर भी कलर कर देते। और फिर हम लेंगे ब्लू कलर जो कि होने वाला है इसकी आंखों के अंदर। और इसके पूरे के पूरे हाथ पर भी ब्लू कलर होने वाला है। और इसकी पैंट पे भी हमने यहाँ पर कलर कर दिया और पर्पल कलर लेके। और इसके पैर भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी बेल्ट में भी कलर कर देते हैं और ये भी डन। अब बारी इसके मुंह के अंदर कलर करने की जो कि होने वाला है लाल इसके दांतों के अंदर। तो फटाफट से इसके दांतों को पूरा लाल लाल कर देते हैं। और गाइस इसके जो हाथ है हम उसमें खतरनाक एनर्जी देने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर व्हाइट कलर ले लिया है और इधर हम पूरी की पूरी एनर्जी बनाने वाले हैं। इसके हाथों में से एनर्जी निकलने वाली है खतरनाक खतरनाक। फटाफट से दोनों हाथों में इसकी एनर्जी कंप्लीट कर देते हैं ताकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगे। अब इस वाले हाथ में भी कर देंगे। ये वुल्फ सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है जो कि उन सारे इविल वुल्फ्स को खत्म करेगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आपको तो पता है वुल्फ के शरीर में कितने सारे बाल होते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे बाल बना देंगे ताकि ये असली खतरनाक वुल्फ लगे। और हम यहाँ पर लिखने वाले हैं फ्रैंकलिन, मतलब ये वुल्फ मैं बनने वाला हूँ, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रैंकलिन वुल्फ। तो फटाफट से अभी हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया और इस ड्राइंग को लाते रियल लाइफ में और ये ड्राइंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। और गाइस फाइनली आप देख सकते हो ये खतरनाक सा वुल्फ बन चुका है। जैसा मैंने सोचा था वैसा का वैसा बन चुका है। और अब ये लोग नहीं बचने वाले। ये सब के सब मेरे घर पर हमला करना चाहते थे पर मैंने नहीं छोड़ूंगा। ये लो, इनको मारने से कुछ नहीं होगा, मैं जाके डायरेक्ट इनके बॉस को मारने वाला हूँ। अगर मैंने इनके बॉस को मार दिया तो ये सब लोग अपने आप चले जाएंगे। फटाफट से चलते हैं और इनके बॉस को खत्म करते हैं। ये सारे के सारे एवेंजर्स मारे गए, हमें कोई खत्म नहीं कर सकता। सारे एवेंजर्स मुझसे लड़ने आए थे, इन सबको खत्म कर दिया। मेरी बात सुनो, इन सबको भी वुल्फ बना दो ताकि ये हमारा साथ दे। इन सबको हम खा जाएंगे ताकि ये भी वुल्फ बन जाए। सबसे पहले आयरन मैन की बारी। आम नाम 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 स्पाइडर मैन, आम नाम 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 हल्क, आम नाम 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 अब थॉर,
नम 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 नम, थोड़ी देर में ये सब के सब चने वुल्फ बन जाएंगे, फिर हमारा साथ देंगे। अरे कैसर ये क्या चल रहा है, ये वुल्फ का बॉस तो सारे के सारे एवेंजर्स को भी वुल्फ में कन्वर्ट कर रहा है। मैंने सोचा था एवेंजर्स मेरी मदद कर पाएंगे, पर उनको भी इसने वुल्फ में कन्वर्ट कर दिया है। बोलिए क्या हुक्म है मेरे आका? स्पाइडरमैन वुल्फ आपकी सेवा में हाजिर है। थोर वुल्फ भी आपकी मदद करेगा। सब के सब एवेंजर वुल्फ बन गए, पर ये हल्क वुल्फ नहीं बना। इसको वापस से काटो और वुल्फ बनाओ। ओके आका। तो कैसर अभी आप देख सकते हो आयरन मैन, स्पाइडरमैन और थॉर तीनों के तीनों वुल्फ बन चुके हैं, बस हल्क वुल्फ नहीं बना। और हल्क वुल्फ क्यों नहीं बना वो मुझे पता नहीं। ऐसा हो सकता है कि हल्क की गामा रेडिएशन की वजह से वो वुल्फ नहीं बन पा रहा। अगर ऐसा है तो हल्क मेरी मदद कर सकता है, पर मुझे कैसे भी करके हल्क तक पहुंचना पड़ेगा। पर कैसे पहुंचूं हल्क तक, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और हल्क को अपने साथ लेना पड़ेगा। चलो फटाफट से नीचे चलते हैं यहाँ पर। और मैंने सोचा था कि मैं वुल्फ बनाऊं तो मैं सबको मार दूंगा, पर इसने तो सारे के सारे एवेंजर्स को ही मार दिया है। अगर इसने मुझे काट लिया तो मैं भी एक ईविल वुल्फ बन जाऊंगा। पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इन सब का ध्यान भटकाना पड़ेगा। तो फटाफट से चलते और इनका ध्यान भटकाते। मैं आ गया, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। निकल यहां से, तू भी निकल यहां से। कौन है ये, पकड़ो इसको। आ जाओ पकड़ के दिखाओ। भागो जल्दी भागो। आओ मेरे साथ, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, वो इसी तरफ भागा होगा। रुक जा पित्ती, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम वुल्फ से पंगा लेता है। आ जाओ, उसे नहीं छोड़ेंगे। तो कैसर अभी वो सारे के सारे वुल्फ यहाँ से जा चुके हैं, और यही टाइम है हल्क को उठा के लेके जाने का। हल्क अभी भी बेहोश है, तो मुझे इस ट्रक के अंदर हल्क को लेके जाना पड़ेगा। चलो फटाफट से चलते हल्क को लेके यहाँ से निकलते हैं। हल्क आ जा जल्दी से, मुझे इसको ट्रक के ऊपर रखना पड़ेगा। तो कैसर अभी हल्क को हमने अपने साथ बिठा लिया है, जल्दी उससे पहले कि वो वुल्फ आए यहाँ से फटाफट से निकलते। तुम्हारी तो वुल्फ ही है, लो तुमको मैं खत्म करके रहूंगा, पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ। तो कैसर आखिरकार हल्क मुझे मिल चुका है, और इसको वुल्फ ने 2 या 3 बार काटा था, फिर भी ये वुल्फ नहीं बना। बाकी के सारे एवेंजर वुल्फ बन गए। इसका मतलब पक्का हल्क की गामा रेडिएशन उसको मदद कर रही है वुल्फ ना बनने में। अगर मैं अकेला लड़ने चाहता तो वो मुझे भी काट लेते और मैं भी वुल्फ बन जाता, पर अब हल्क की वजह से मैं वुल्फ नहीं बनने वाला, और हम लॉस सैंटोस को भी बचा लेंगे। चलो फटाफट से घर पे चलते हैं और एक हम खतरनाक सा एक्सपेरिमेंट करने वाले। हल्क और मेरी बॉडी को हम कंबाइन करने वाले। मैं एक वुल्फ हूँ और हल्क के अंदर गामा रेडिएशन है। हम दोनों एक दूसरे को कंबाइन करके खतरनाक सा वुल्फ बनाएंगे। तो चलो यार फटाफट से हल्क और मेरी बॉडी का कॉम्बिनेशन करते अपने ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड पर, ताकि हम एक खतरनाक सा हल्क वुल्फ बना पाए। उसके बाद मुझे कोई भी काटेगा तो मैं वुल्फ नहीं बन सकता, और ये दुनिया का सबसे खतरनाक पावरफुल वुल्फ बनने वाला है। चलो फटाफट से बनाते हैं इसको। तो गाइस अभी मैं हल्क को अपने मैजिक बोर्ड के पास लेके आ चुका हूँ, और ये पिछला वाला वुल्फ जो मैंने बनाया था, और इसको हम प्लस करके यहाँ पर बनाने वाले हैं हल्क वाला वुल्फ, और ये दोनों मिलके बनने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक वुल्फ। तो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके मुंह से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले उसका मुंह, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाना है। तो फटाफट से लेके जाते हैं यहाँ पे बड़ा सा मुंह, और ये बन गया इसका हल्क का मुंह। और वुल्फ की तरह यहाँ पे उसके खतरनाक कान होंगे। इसको ये करते हैं और इसकी बाकी की पूरी बॉडी बनाते हैं, और हल्क की बॉडी तो है ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो नॉर्मल वुल्फ से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होने वाला है। इसकी बड़ी बड़ी अंगुलियां यहाँ पर बनाएंगे, और इसकी यहाँ पर बॉडी बन गई। एक हाथ हमने बना दिया, दूसरे हाथ की बारी, यहाँ पर बड़ी बड़ी अंगुलियां बनाएंगे, और ये बन गया दूसरा हाथ। तो इसकी बाकी की भी बॉडी बनाते हैं, ताकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वुल्फ लगे। और इसकी यार हल्क यहाँ पे पैंट बना देते फटाफट से, पर्पल कलर की, वो हमेशा पैंट पहनता है, तो उसको यहाँ पर बना देंगे। और यहाँ से उसकी थोड़ी फटी फुटी होती है, यहाँ पे लेके जाएंगे, और यहाँ से फटी फुटी, और ये डन। अब इसका खतरनाक सा वुल्फ वाला पैर बनाने वाला है। टेढ़ा मेढ़ा पैर इसका होने वाला है, यहाँ पर इसकी अंगुलियां होगी पैर की, बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा पैर इसका बनाएंगे, तो कि बिल्कुल खतरनाक वुल्फ लगना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल खतरनाक वुल्फ लगना चाहिए। और इसका यहाँ पर पैर बन गया, यहाँ पर अंगुलियां बनाते हैं फटाफट से,
और ये डन। तो इसके बार बार की बॉडी तो बन चुकी है, अब इसकी बाकी चीजें बनाते हैं। जैसे कि इसके बड़े बड़े नाखून हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, क्योंकि वुल्फ के होते हैं बहुत ही खतरनाक और बड़े बड़े नाखून। तो फटाफट से इसको बना देते हैं। यहाँ पर बन गया, हाथों में इसके नाखून बन गए, अब पैरों में इसके नाखून बनाने की बारी आ चुकी है। फटाफट से पैरों में भी बड़े बड़े नाखून बना देते हैं, ताकि हमारा हल्क वुल्फ बहुत ही ज्यादा खतरनाक बने और उस ईविल को हरा पाए। अब इसकी बाकी की बॉडी भी बना ली जाए। यहाँ पर इसकी पूरी पूरी चेस्ट बनेगी और यहाँ पर इसके एब्स बनने वाले हैं। ये 2, 4, 6, 8 हमने इसके एब्स यहाँ पर बना दिए। अब इसका मुंह बनाते हैं। इसका मुंह सही में बहुत ही खतरनाक होगा। इसकी आंख बनाएंगे बड़ी बड़ी, फिर इसकी यहाँ पर हम नाक बनाने वाले हैं, फिर इसका बड़ा सा मुंह बनाने वाले हैं और इसके मुंह में होंगे एक बड़े से दांत, फिर यहाँ पर छोटे छोटे खतरनाक खतरनाक दांत, यहाँ पर छोटे दांत, फिर यहाँ पर एक और खतरनाक बड़ा सा दांत। तो आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा खतरनाक लगने लग चुका है हमारा खतरनाक सब हल्क वुल्फ। अब इसके अंदर हम कलर करने वाले हैं। सबसे पहले लेंगे ग्रीन कलर, जो कि हल्क के अंदर होता है। तो सबसे पहले इसको पूरा पूरा ग्रीन करेंगे। इसके पैर, हाथ, बॉडी और मुंह सबका सब हमने ग्रीन कर दिया। अब हम इसकी आंखों में करने वाले येलो कलर और इसके बालों में करेंगे काला काला कलर। और यार यहाँ पे देखो, और इसकी आंखों में छोटी छोटी और आंखें बनने वाली है, और ये भी बन गया। अब आप इसे काला कलर लेके इसके मुंह के अंदर करेंगे, और ये काला कलर हमने इसकी नाक के अंदर कर दिया। फिर लाल कलर लेके इसके पूरा मुंह को अपन लाल करने वाले, और ब्राउन कलर इसके दांतों में होने वाला है। तो फटाफट से कर देते हैं, इसके खतरनाक खतरनाक दांत यहाँ पर बनने वाले हैं। और इसके सारे के सारे दांतों में भी हमने कलर कर दिया है। अब इसकी पैंट में होगा हल्क वाला कलर, जो कि होता है पर। और गाइस, फिर ब्राउन कलर लेके हम सारे के सारे नाखून को भी इनको ब्राउन करने वाले, दांत और नाखून सबका सब सेम हम कर देंगे। फटाफट से यहाँ पर कर देते हैं, और ये हमारा हल्क लगभग पूरा का पूरा डन हो चुका है। और ये दुनिया का सबसे खतरनाक हल्क वुल्फ होने वाला है, और उस इविल वुल्फ को हम हरा देंगे। अब फटाफट से इसके हम यहाँ पर पावर्स बढ़ाने वाले, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे पावर इनटू 100। इसकी पावर हमने बढ़ा दी है 100 से, मल्टीप्लाई कर दिए, और ये हमारा हल्क बन चुका है। और ये पेंटिंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। चलो फटाफट से इसको रियल लाइफ में लाते हैं। और गाइस, आप फाइनली देख सकते हो हमारी ड्रॉइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और ये खतरनाक सा हल्क वुल्फ भी बन चुका है। अब तो उन वुल्फ के बॉस को हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि अगर हमें उन वुल्फ ने काटा भी तो हमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे अंदर गामा रेडिएशन से हल्की आ रहा हूं मैं वुल्फ के बॉस। अब हम इस लॉस सेंटोस को आखिरकार बचा पाएंगे। चलो फटाफट से चलते हैं और उस वुल्फ के बॉस को खत्म करते हैं। अबे ये कौन सा कुत्ता रहा है हमारे पास, काटो इसको। तुम्हारे काटने से मुझे कुछ नहीं होने वाला वुल्फ के बॉस, तू मुझसे नहीं बचने वाला। तू मुझसे लड़ना चाहता है, तू जानता नहीं है मैं कितना पावरफुल हूँ। मेरे पास पूरे लॉस सेंटोस के वुल्फ है, और तू अकेला। तेरे इन बच्चों से मुझे लड़ना भी नहीं है, मुझे तुझसे लड़ना है। मुझसे लड़ेगा, आजा फिर देखते हैं किस में कितना दम। आजा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर आ पिट्टी, निकल यहाँ से, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे काइजर, ये तो सही में बहुत ही पावरफुल है। पिछली बार मैंने इससे लड़ा नहीं था, पर ये पावरफुल तो है। पर कोई बात नहीं, हमारे साथ हल्के। ये देखो इसके बच्चे का भाग रहे हैं। ये ले तेरा बच्चा, कैच कर। एक इधर, इसको भी कैच कर। ये ले कैच कर। मेरे वुल्फ्स को तू नहीं मार सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे तेरी तो ये ले। तो काइजर, मुझे इस वुल्फ को कैसे भी करके खत्म करना है। उसके लिए मुझे अपनी पावर्स को और भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो मेरी पावर्स बढ़ जाए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। जितना ज्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब करोगे, उतनी ज्यादा मेरी पावर्स बढ़ने वाली है, वरना मैं इससे तो पिटता ही रहूंगा। कोई भी चाहे कितना भी लाइक और सब्सक्राइब कर ले, तू हमेशा पिटता ही रहेगा। ये ले। अबे तेरी तो ये ले। ये वुल्फ का बच्चा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, पर हम इससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनने वाले हैं अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहोगे तो। फटाफट से इसको मार दे। ये ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले। रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे तू क्या मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले। तेरी शक्तियां तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इधर आ, इसको फटाफट से लेके चलते हैं, पानी में डिबो के मारेंगे। ये ले। तो गाइस सर, इसको मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर सकता हूँ। आप फटाफट से कमेंट में लिख दो, आपको फटाफट से कमेंट में लिखना पड़ेगा फिनिश इविल वुल्फ, जल्दी जल्दी लिख दो, ताकि मैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं। निकाल यहां से इस वुल्फ के बच्चे को, तो मैं आज का
खत्म करने वाला हूँ, इसको कोई नहीं बचा सकता। केले, अरे मेरे को ही मार दिया तो पानी में क्यों फेंक रहा है मुझे? इतनी ठंड में मुझे पानी में फेंक रहा है ये, बार बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से इसको उठाते हैं और इसको पानी में लेके जाकर खत्म करते हैं। केले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। केले पागल, केले। अब लगता है इसके खत्म होने का टाइम आ चुका है। तो गाइस, आखिरकार मैंने इस इविल वुल्फ को खत्म कर दिया और लॉस सैंटोस को इस वुल्फ के अटैक से बचा लिया और अब ये वुल्फ वायरस खत्म हो चुका है। जैसा कि मैंने सोचा था, मेरा प्लान बिल्कुल ढंग से काम कर गया। हल्क को कोई भी नहीं मार पाया क्योंकि हल्क के अंदर थी गामा रेडिएशन और उसके ऊपर से मैंने उसके अंदर वुल्फ डाल दिया। वुल्फ डालने के बाद हमारा हल्क हो गया बहुत ही खतरनाक और हमने इविल वुल्फ को खत्म कर दिया। तो गाइस, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाकर चैनल फॉलो कर लेना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।